चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में। शानदार और विशाली स्टेडियम कमल मॉडल स्कूल के द्वारा यहां पर एक एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया है। कमल मॉडल स्कूल मोहन गार्डन उत्तम नगर का इस पूरे आयोजन का होस्ट है। दिल्ली के तकरीबन 250 से पौने 300 स्कूलों के बच्चे इस एथलेटिक मीट में शिरकत कर रहे हैं। तमाम जो एथलेटिक्स के खेल हैं वो यहाँ पर होंगे। दो दिन का ये पूरा आयोजन है। कल जो इनामात हैं वो बांटे जाएंगे, यानी जो विजेता बच्चे हैं उनको पुरस्कार दिए जाएंगे। आज इस समारोह की विधिवत शुरुआत हुई। जो पश्चिमी दिल्ली के एमपी हैं प्रवेश वर्मा, उन्होंने दीप जलाकर इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत की। आइए आपको दिखाते हैं इस पूरे कार्यक्रम की कुछ झलकियां और साथ में सुनवाते हैं कि जो गणमान्य व्यक्ति इस मौके पर उपस्थित हुए उन लोगों ने क्या शुभकामनाएँ प्रेषित की। CBSE एथलेटिक मीट 2019 का आज यहाँ पे शुभारंभ हुआ है और इसको जो करने का मौका मिला है वो हमारे क्षेत्र के कमल मॉडल स्कूल को मिला है। उसके हमारे टंडन जी, हमारे CBSE के गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं शैलेश जी, मिसेस टंडन जी, हमारे CBSE के रीजनल डायरेक्टर हैं यादव जी और सभी साथियों ने ये बहुत ही अच्छा सुंदर, हजारों बच्चे यहाँ पर भाग ले रहे हैं। इससे एक तो जो प्रधानमंत्री जी का फिट इंडिया प्रोग्राम है वो भी, उसको भी बल मिलता है और जितने और भी बच्चे हैं जो आज के दिन में नशा करते हैं, धूम्रपान करते हैं, सिगरेट, तंबाकू, बीड़ी पीते हैं, उनको भी ये प्रेरणा कहीं ना कहीं मिलेगी जब ये बच्चे जाके बताएंगे, ये मेडल जीतेंगे, सर्टिफिकेट जीतेंगे, अपने मोहल्ले में जाएंगे, वहाँ पर जब बाकी बच्चे इनको देखेंगे कि वो उसको आज मेडल मिला है और वो आज खुश है, तो उनको भी प्रेरणा मिलेगी कि हमको भी स्पोर्ट्स में जाना चाहिए। और आज स्पोर्ट्स में बच्चों को देश का नाम कमाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, खासकर ओलंपिक गेम्स में, जहाँ पर हम हमेशा उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते जितना हमारा देश के जो हमारी प्रतिभाएँ हैं उनको देख कर होना चाहिए। हमारी भारत सरकार, हमारी राज्य सरकारें बहुत अच्छा काम कर रही हैं, बच्चों को समय समय पर ऐसे कार्यक्रम करके उनको बल मिलता है, उनको मोटिवेशन मिलता है और उनको पुरस्कृत करके उनको आने वाले भविष्य के लिए प्रेरणा मिलती है और ऐसे कार्यक्रम होते रहें, ऐसी मेरी शुभकामना। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हर वर्ष विभिन्न प्रकार के खेलों का आयोजन किया जाता है। जिन खेलों में प्रतिभागियों की संख्या ज़्यादा होती है उसमें क्लस्टर लेवल पर, फिर उसके बाद जोनल और नेशनल गेम्स कराए जाते हैं। जहां पर प्रतिभागियों की संख्या कुछ कम होती है वहां पर सीधे जोनल गेम्स और फिर नेशनल गेम्स कराए जाते हैं। आज कमल मॉडल द्वारा एथलेटिक्स का जो क्लस्टर गेम्स का आयोजन किया जा रहा है जिसमें लगभग 250 विद्यालयों के विद्यार्थी भाग ले रहे हैं। एथलेटिक्स की विभिन्न प्रतियोगिताएं आज आयोजित की जाएंगी। दो दिन के इस कार्यक्रम में विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का, अपना जौहर दिखाने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा और ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे विद्यार्थी आगे खेलों में देश का नाम रोशन कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर CBSE ने हमारे ऊपर विश्वास किया है कि हम क्लस्टर 20 का एथलेटिक मीट पोस्ट इमेज प्रिविलेज की, इंटरेस्टेड अस टू और स्पोर्ट्स इवेंट्स, मतलब फिट इंडिया के लिए इट इज़ वेरी मच नीडेड टू प्रमोट द स्पोर्ट्स इन द स्कूल्स, तो दैट्स व्हाई नाउ डेज मोस्ट ऑफ द स्कूल्स
मतलब वी आर वर्किंग ऑन दैट, वी आर गिविंग द स्पेस टू चिल्ड्रन टू कम फॉरवर्ड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो. 35 डिसिप्लिन में स्पोर्ट्स की इवेंट्स चलती है, उसमें एथलेटिक मीट जो होती है वो सबसे बड़ी मीट है, सबसे बड़ा इवेंट होता है. तो जिम्मेदारी तो थी, बट हाँ ठीक है, अगर CBSE ने समझा कि हम उसको निभा सकते हैं तो हमने हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको अच्छे से होस्ट करें और सब बच्चों को एक अच्छे से हम लाइक स्पेस दें अपनी टैलेंट को दिखाने का. तो शानदार ये मीट रही. आप देखें तमाम जो बच्चे हैं भागते हुए दौड़ते हुए दिखाई दिए, तमाम जो खेल हैं एथलेटिक्स के वो इस दौरान खेले गए और बच्चों ने अपनी जो प्रतिभा है उसको दिखाया और सभी लोगों ने उस प्रतिभा को खूब सराहा. सहयोगी विजय त्यागी के साथ छत्रसाल स्टेडियम से मैं अनंत कौशिक. चैनल के सभी अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन.